हेलो गाइस, आज आप सबका स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में। और आज मैं गौरव सिंह आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट नंबर 2 क्लास 10th। ठीक है, तो जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी हिस्ट्री में, पार्ट 1 मैंने कवर कर लिया। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें हमने नेशनलिज्म पढ़ लिया था, हमने नेशन स्टेट पढ़ा था और फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म पढ़ लिया था। उसमें कुछ ईयर थे और उन ईयर में क्या क्या हुआ था वो पढ़ा था। फिर हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा और फिर जो नए वो आए थे जैसे कि एस्ट्रोक्रेसी हो गया, पेजेंट्री हो गया और न्यू मिडिल क्लास जो आया था वो कहाँ से आया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से आया था। ठीक है, और हमने ट्रीटी ऑफ वेना पढ़ा था और 6 मेन पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर पढ़े थे। ठीक है, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। अब हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, देखिए हिस्ट्री पार्ट नंबर 2 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ूंगा, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो थे उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, तो एब्सोल्यूटिस्ट क्या होते हैं कि अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ अ रूल विदाउट रेस्ट्रेंट ऑन पावर एक्सरसाइज। रेस्ट्रेंट में दोबारा से आना, दोबारा से सोशली इसको उस चीज़ को करना। ठीक है, तो एब्सोल्यूटिस्ट मतलब ये होता है कि अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल विदाउट रेस्ट्रेंट ऑन पावर एक्सरसाइज, मीन जो पावर अपनी एक्सरसाइज की जा रही है उस पर गवर्नमेंट या सिस्टम का रूल। ठीक है, बिना किसी पहले के जैसे, मतलब पहले के जैसे नहीं, अब नया तरीके से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूटोपियन। यूटोपियन क्या था, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी विच प्रिंसिपली डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स ऐसे सोसाइटी को इमेजिन करना जो असल में कभी हो ही नहीं सकती, उसे हम कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं रामराज, उसमें क्या होता है, पीपल ओनली टेक डिसीजन एंड दे फॉर्म गवर्नमेंट, मीन्स पीपल अपना डिसीजन लेते हैं और वही अपना गवर्नमेंट बना लेते हैं, वही अपना रूल्स करते हैं। ठीक है, एंड लेस हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, लोग गवर्नमेंट से बहुत कम ही हेल्प लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है थर्ड पॉइंट, सफरेज। सफरेज क्या होता है, सफरेज मीन्स राइट टू वोट। ठीक है, मीन्स वोट का अधिकार, जैसे कि हमारे इंडिया में भी है, हमें हमारे पास है राइट टू वोट। राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट। ओके, फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ जेंडर, मीन्स अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स, मीन्स फेमिनिस्ट ये होता है मीन्स वुमेन्स के जो राइट होते हैं उनको अवेयर करा जाए कि वुमेन्स के पास जो राइट्स होते हैं उनको बताया जाए कि हाँ आपके पास ये राइट्स हैं, किसके बेसिस पे, सोशली बेसिस पे, पॉलिटिकली बेसिस पे, इकोनॉमिक के बेसिस पे और जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पे। फिर हम आते हैं एलिगोरी, जैसे कि आप हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एलिगोरी। इंडिया की एलिगोरी क्या है, भारत माता, जर्मनी की जर्मेनिया, फ्रांस का मैरेना। ठीक है, तो वही होता है, एलिगोरी इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया और अ थॉट और अ थॉट अ पर्सन और अ थिंग, मीन्स ऐसी एक चीज़ को करना, एक कंट्री के लिए नाम रखना। ठीक है, उससे हम कहेंगे एक एक्सप्रेशन है ना, तो उससे हम कहेंगे एलिगोरी। तो अब हम देखें करेंगे टेबल जो मैंने बनाई रखी है, जिस स्क्रीन पे आपको दिख रही है, नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें क्या क्या हुआ। देखिए, नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, अब ब्रिटेन में नेशनलिज्म कब तक हुआ, 1688 से 1801 तक हुआ, कहाँ पे, ब्रिटेन में नेशनलिज्म हुआ। फिर हम आते हैं उसके बाद क्या हुआ, नेशनलिज्म इन फ्रांस हुआ, वहाँ कब से हुआ, 1830 से 1848 तक हुआ। ठीक है, और उसे हम क्या कहते थे, 1830 से 1848 तक एज ऑफ रेवोल्यूशन कहते थे, मीन्स हंगर एंड हार्डशिप। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे 1830 में बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन बाय रेवोल्यूशन, है ना, बर्बन किंग को हटा दिया गया, बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम नीदरलैंड, बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड से सेपरेट हो गई, है ना, और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई, टू कॉन्स्टेंटी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल हुआ वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो नेशनलिज्म इन फ्रांस। अब हम आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। फिर हमने पढ़ा था वहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे यूनिफिकेशन हुआ, यूनिफिकेशन इटली में हुआ, कब से कब तक, 1859 से 1861। ठीक है, फिर हम आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फिर जर्मनी में हुआ यूनिफिकेशन, कब से कब तक, 1866 से 1871 तक। और मैंने आपको बताया था यूके में भी हुआ था उसी समय जब इटली में हुआ था। ठीक है, फिर हम आते हैं नेशनलिज्म इन बाल्कन्स। नेशनलिज्म इन बाल्कन्स वो 1871 से 1914 तक चला। और हमने आपको बताया था ना नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म में
एम्पायर मतलब टू इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, मीन दूसरी कंट्री को भी अपने कब्जे में लेना। दूसरी क्या हुआ, टेंशन क्रिएट हो गई बालकन्स में। बालकन्स क्या था, एक प्रोविंस था, मीन्स स्टेट था, है ना। तो उससे क्या हुआ, फिर बाद में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई 1914 से 1918 तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो हमने क्या कवर किया, अपना इम्पॉर्टेंट टर्म्स कवर कर लिए। पहला एब्सोल्यूटिस्ट, दूसरा यूटोपियन, तीसरा सफरेज, फेमिनिस्ट, एलिगोरी, और फिर बाद में नेशनल इन यूरोप में क्या किया हुआ, ठीक है। तो आपको मैं इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये जो PDF है, ठीक है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी उसके भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से मेरे को कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा अनदर चैनल है, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या, पहला आता है फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो, जैसे कि आप चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखेंगे, वो जो आर्ट बनी हुई है चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो किसने बनाई है, फ्रेडरिक सोरियो ने। मीन्स ही हाफ फ्रेंच आर्टिस्ट हु विजुअलाइज्ड हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। मीन्स उसने ये जो फ्रेडरिक सोरियो था, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने सोचा था सपना सोचा कि एक वर्ल्ड है जो कि कैसे मेड है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से मेड है, ठीक है। फिर हम आते हैं नेपोलियन बोनापार्टे, आपको बताया ना मैंने पिछली वीडियो में। तो ये क्या था, फ्रेंच डिक्टेटर हु डिमोलिश्ड डेमोक्रेसी, मीन्स इसने डेमोक्रेसी को हटाया, फ्रेंच डिक्टेटर था। मीन्स इसने, मैंने आपको बताया ना पिछली वीडियो में, इसने कुछ अच्छी भी चीज़ें की थी और कुछ बुरी भी चीज़ें की थी। अच्छी चीज़ क्या थी कि टैक्स हटा दिया, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, है ना, ये सब हटा दिया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा हो गया। बैड में क्या था कि वहाँ के जितने आदमी थे वो चाहता था कि सब आर्मी में हो जाए, तो ये एक बैड थिंग थी, तो उससे वहाँ पे वॉर हुई थी, ठीक है। फिर लुइस फिलिपे क्या है, ही वॉज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस आफ्टर जुलाई रेवोल्यूशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गए, कहाँ के, फ्रांस बन गए, फ्रांस के लुइस फिलिपे, ठीक है, कब से, आफ्टर जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 से, ठीक है। फिर फोर्ट कैसर विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर आफ्टर यूनिफिकेशन। मीन जर्मनी में जब यूनिफिकेशन हुआ उसके बाद वो जर्मन एम्परर बने, ठीक है। कब वो जर्मन यूनिफिकेशन हुआ था, ये 1871 में ये बने थे, कैसर विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम द जर्मन एम्परर आफ्टर यूनिफिकेशन। अब हम आते हैं, ये देखेंगे, जैसे आप देखेंगे गुसिपी मजीनी, गुसिपी गैरिबाल्डी एंड काउंट कैमलो डी केवोर। अब ये तीनों जो थे, इन दोनों तीनों का बहुत बड़ा हाथ था कि इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, ठीक है। तो पहला है हमारा गुसिपी मजीनी जो था, गुसिपी मजीनी जो होता है वो इस्टेब्लिश्ड यंग इटली, कब हुआ यंग इटली इस्टेब्लिश किया था, 1831 में। एंड गुसिपी मजीनी वॉज नोन एज दी सोर ऑफ इटली, ठीक है। गुसिपी मजीनी जो था वो यू नोन एज दी सोर ऑफ इटली, सोर ऑफ इटली कहला जाता था। और इस्टेब्लिश इसने किया था यंग इटली इन 1831 में, ठीक है, ठीक है। फिर हम आते हैं गुसिपी गैरिबाल्डी क्या, गुसिपी गैरिबाल्डी ही लीडेड आर्म्ड वॉलंटियर्स, मीन्स बिस्मार्क ऑफ इटली, इन्होंने आर्म वॉलंटियर्स को लीड किया था, ठीक है, ठीक है। तो ये जो गुसिपी गैरिबाल्डी थी, इसको हम कहते थे क्या, स्वॉर्ड ऑफ इटली, ठीक है, इसको हम कहते थे स्वॉर्ड ऑफ इटली, ठीक है। तो ये हमारे दो पॉइंट हो गए। अब हम आते हैं काउंट कैमलो डी केवोर। अब ये कौन थे, इनको हम क्या कहते थे, ब्रेन ऑफ इटली। मीन्स मैंने बताया ना, इन दोनों का यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत बड़ा हाथ था, इन तीनों का, ठीक है। तो काउंट कैमलो डी केवोर क्या थे, लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई इटली, ठीक है, इन्होंने मूवमेंट बनाया ताकि इटली में यूनिफिकेशन हो सके। तो अब हम आते हैं 8 पॉइंट पे, 8 विक्टर इमैन्यू सेकेंड। अब ये क्या थे, ये बिकेम द किंग ऑफ द इटली इन 1961, मीन्स ये किंग बने इटली के, कब, 1861 में, मीन्स PM प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर
ओटो वॉन बिस्मार्क, ये कौन थे? ओटो वॉन बिस्मार्क में ही फॉर ओटो वॉन बिस्मार्क ही फॉर 3 वॉर्स टू यूनिफाई जर्मनी, ठीक है, इन्होंने 3 वॉर की थी ताकि जर्मनी को यूनिफाई किया जाए, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो जर्मनी में यूनिफिकेशन कब हुआ था, ये हमारा जर्मनी में यूनिफिकेशन हुआ था 1866 से 1871 तक, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ये कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इवेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले होगा हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से हुआ? 1789 में हुआ, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड क्या था, सिविल कोड ऑफ 1840, ठीक है। ये किसने किया था? इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेपोलियनिक कोड, ठीक है, नेपोलियनिक कोड, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, ट्रीटी ऑफ वेना इन वाटरलू, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ कब, 1815 में, और इसी में बैटर ऑफ वाटरलू हो गई, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, ठीक है, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप क्या हुआ, 1830 में हुआ, ठीक है। फिर हमारा आता है पॉइंट कौन सा आता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। उससे पहले हमारा क्या था, उससे पहले था हमारा ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, ठीक है। फिर हम आते हैं जोलोवेन क्या था, कस्टम यूनियन क्या था, जर्मन स्टेट। कब हुआ ये, 1834 में हुआ। सेवन पॉइंट होता हमारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये कब बना, 1848 में बना, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब यूनिफिकेशन पढ़ेंगे कहाँ कहाँ हुआ। पहला होता है हमारा यूनिफिकेशन हुआ इटली में 1861 में, ठीक है। फिर हम आते हैं सेकंड, जर्मनी में। अब मैंने जर्मनी में देखिए क्या हुआ, 1871 में हुआ, वहाँ पे 3 वॉर हुई थी, किन्होंने करवाई थी आपको मैंने ऊपर बताया है, ठीक है, ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, ही फॉर 3 वॉर्स टू यूनिफाई जर्मनी, इन्होंने 3 वॉर की थी जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, 3 वॉर, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं जर्मनी, पहला तो जो हमारी वॉर हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, डैनिश एंड प्रूशियन में 1864 में। दूसरा हमारा कहाँ पे हुई थी, ऑस्ट्रो सेकेंड के बीच 1866 में। फिर हमारा हुआ था फ्रैंको सेकेंड में, ठीक है, 1870 से 1871 तक। और फिर लास्ट में हमारा क्या हुआ, बाल्कन्स टेंशन, ठीक है, बाल्कन्स टेंशन हुई, और आखिरी में हमारी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गई, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म पार्ट 2, ठीक है। तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा पार्ट 3 भी लाने की, तब तक आप स्टे सेफ, स्टे होम, ठीक है, सेफ रहें, घर पर ही रहें, ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहें, थैंक यू। और बाकी मैं इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक उसके भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और बाकी यूट्यूब चैनल है मेरा दूसरा, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बताइएगा आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अब हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे इसके आगे का, ठीक है, थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हमारी वीडियो जल्दी ही आने वाली, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, मैं गौरव सिंह।